नमस्कार, कार्तिक आर्यन स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म चंदू चैंपियन 14th ऑफ जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जहां फिल्म अपेक्षानुसार उतना तो नहीं कमा पाई, लेकिन फिल्म ने अपने पहले दिन ठीक ठाक ओपनिंग करने में कामयाब रही। बात करेंगे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन की, तो फिल्म चंदू चैंपियन ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन के अंदर इंडिया के बॉक्स ऑफिस से करीब 5 करोड़ की ओपनिंग कर शुरुआत की है। वहीं दोस्तों, फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे टू की बात करें तो फिल्म चंदू चैंपियन ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे टू के अंदर सैटरडे होने के चलते थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाते हुए इंडिया के बॉक्स ऑफिस से करीब 7.10 करोड़ की कमाई करने में कामयाब रही। इसी के साथ फिल्म चंदू चैंपियन का डे टू तक टोटल इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 12.10 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। दोस्तों, फिल्म चंदू चैंपियन के बजट की बात करें तो फिल्म चंदू चैंपियन को ओवरऑल 120 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों, फिल्म चंदू चैंपियन के स्क्रीन्स की बात कर ले तो फिल्म को वर्ल्ड वाइड ओवर 3200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म चंदू चैंपियन ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। फिल्म में कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हो रही है। दोस्तों, फिल्म चंदू चैंपियन फिलहाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का जबरदस्त फायदा मिलना भी शुरू हो चुका है और फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 यानी संडे के अंदर भी ताबड़तोड़ कलेक्शंस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म चंदू चैंपियन देखने की सोच रहे हैं तो फैमिली के साथ फिल्म चंदू चैंपियन को वीकेंड में देखना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय सेतुपति एंड ममता मोहन दास स्टार ऑफ फिल्म महाराजा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे विजय सेतुपति, ममता मोहन दास, अनुराग कश्यप स्टार तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म महाराजा के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म महाराजा 14th ऑफ जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जहां फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 6.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शानदार शुरुआत ली। तो वहीं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की बात करें तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और फिल्म महाराजा ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 6 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल डे 2 तक वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 12.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से 6.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। तो वहीं फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 2.25 करोड़ की ग्रॉस कमाई हुई है। दोस्तों, फिल्म महाराजा की कहानी की बात करें तो फिल्म महाराजा की कहानी एक बार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार विजय सेतुपति ने निभाया है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलते हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे। फिल्म महाराजा फिलहाल वीकेंड में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, बता दूं कि फिल्म महाराजा विजय सेतुपति के करियर की 50वीं फिल्म है और विजय सेतुपति की 50वीं फिल्म महाराजा फिलहाल सिनेमाघरों में जबरदस्त ट्रेंड कर रही है। फिल्म को अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तेलुगु लैंग्वेज की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर फिल्म हरोम हरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे सुधीर बाबू एंड मलिका शर्मा स्टारर फिल्म हरोम के कलेक्शंस की बात करें तो तेलुगु फिल्म हरोम हरा ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 2.10 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत की थी। तो वहीं फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की बात करें, फिल्म हरोम हरा ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 1.95 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल डे 2 तक वर्ल्ड वाइड से 4.05 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों, फिल्म हरोम हरा के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 12 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रोमोशन कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म हरोम हरा फिलहाल ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब है। फिल्म को फिलहाल पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म को अगर आपने मिस किया तो वीकेंड में फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, ये था लेगा जो काल फिल्म के कलेक्शन का। ये पोस्ट पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।